दोस्तों आपने प्यार के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी होगी कि हमेशा दूर रहिए भाई, किसी लड़के के चक्कर में, किसी की लड़की के चक्कर में दूर रहिए, आपको प्यार हो जाएगा तो लाइफ खलास हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और बहुत सारे दिल टूटे आशिक प्यार में जब फेल होते हैं ना, तो आपको यही एडवाइस देते कि किसी से प्यार मत करना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्यार को किस नज़र से देखते हो और कैसे अपनी लाइफ में प्यार को लेते हो। क्योंकि आज जो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा ना, उसके बाद, और ये रियल स्टोरी है, ये सुनने के बाद आपको प्राउड होगा कि यार मैंने लाइफ में कभी किसी को सच्चा प्यार किया था। क्योंकि रियल में ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्यार को कैसे लेते। जो लोग प्यार को समझ नहीं पाते वो गालियाँ देता है कि इस दुनिया में हर कोई ऐसा ही है, बकवास है, विश्वास जैसी चीज़ नहीं होती। लेकिन आज के ज़माने में भी चीज़ें बिलीव करने लायक है। लेकिन क्या आप प्यार के ऊपर बिलीव करते हो? आप प्यार को किस नज़र से देखते हो? एंड अगर आपको लगता है कि प्यार आपको लाइफ में सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्यार आपको बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक भी उठा सकता है। एक लड़का था बहुत छोटे शहर में, और वो कॉलेज टाइम पे होगा जब उन्हें किसी से प्यार हुआ होगा। उस लड़के की कोई इमेज सही नहीं थी, पूरा दिन आवारगी करना, दोस्तों के साथ खेलना और ऐसे सिगरेट सट्टे लगाना, बाकी उसकी लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कभी वो फ्यूचर के बारे में सोचता था। लेकिन जब उसकी लाइफ में उसे किसी से प्यार हुआ इस टाइम पे, फिर उसकी लाइफ में एक मीनिंग बना कि आगे की लाइफ इसके साथ गुजारनी है, हमेशा मुझे इस लड़की को खुश रखना है, बस फ्यूचर में मुझे इसी के साथ होना है। लेकिन उस लड़के की इमेज ऐसी थी कि लड़के के घर वालों को पता चल गया, और जब पता चला कि इतना बुरा लड़का जिससे कोई भी अपनी बेटी के साथ देखना नहीं चाहता, और जब लड़का ऐसी अपनी बेटी के साथ उसको देखते हुए मिला, तो उन्होंने टोटली उस लड़की को उस लड़के से अलग कर दिया। एंड ऑफ कोर्स दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। यहाँ पे उसकी लाइफ को अभी अभी तो एक सपना मिला था, अभी अभी तो एक रास्ता मिला था, एक मंजिल जो उन्होंने सोची थी, जो उनको तय करनी थी, वही रास्ते में वही ड्रीम, उनके सपने सारे खराब हो गए। लड़की की इमेज इतनी ख़राब थी कि लड़की के फैमिली वाले कभी भी उनके साथ उनको शादी करने के लिए एग्री तो होने वाले ही नहीं थे। जब लड़के ने इस लड़की से बात की, तो लड़की ने उसको सिर्फ एक बात बताई कि अगर तुम बहुत ही अच्छा करियर बनाते हो, अपना फ्यूचर बनाते हो, और ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो, तो शायद पॉसिबल है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, शायद मैं अपने घर वाले को मना लूँ। लड़का किसी भी कीमत के लिए इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, अपनी लाइफ इसी के साथ स्पेंड करना चाहता था। उनके पास एक मंजिल का ठिकाना था कि उसको उनके साथ शादी करनी थी। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था? लड़के ने सोचा कि बस उसके पास कोई करियर नहीं है, ये पूरे दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, क्योंकि उसको लाइफ में कुछ करना नहीं था। अब प्यार के लिए, उस पागलपंती के लिए उस लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। यह प्यार की ताकत। देखो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती, वो है रीज़न। आप लाइफ में बहुत कुछ क्यों करना चाहते हो? इसके पास हमारे बहुत कम छोटे कारण होते। उस लड़के के पास बहुत बड़ा विज़न था, बहुत बड़ा रीज़न भी था कि क्यों उसको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, क्यों कुछ अचीव करना है। क्योंकि अगर वो अचीव कर लेता, तो उस लड़की ने बोला था कि वो लड़की अपने माँ बाप को मनाएगी और उनसे शादी करेगी। उस लड़के की जो इमेज थी, और उस लड़के को खुद को भी पता नहीं था कि ये कैसा होगा, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो वो बिल्कुल भी जीरो था, उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल बनना चाहता था, ना कुछ चीज़ें हासिल करना चाहता था। लेकिन अब वो हर कुछ करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको उस लड़के से शादी करनी थी। तो प्यार ने उनको बहुत बड़ा विज़न दिया, बहुत बड़ा रीज़न भी दिया कि उसे लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होना चाहिए। और एक साल में उस लड़के ने अपनी लाइफ में वो अपनी ड्रीम जॉब, जो कभी उन्होंने लाइफ में फेल होने के बाद सोची थी, किसे सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल जॉब कहा जाता है, जिसे एक स्टेबिलिटी कहा जाता है, लड़के ने उस चीज़ को हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ शादी करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए। जब उस लड़के से मेरी बात हुई, तो उसने खुद ने बताया कि जब मैं ऐसे कॉलेज में था, जब मैं ऐसे आवारागी करता था, तब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में वहाँ तक भी जा सकता हूँ, मैं लाइफ में इतना सही हो सकता हूँ, वो चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। एंड ऑफकोर्स दोस्तों, उस लड़के ने अपनी लाइफ में तो सक्सेसफुल होकर देखा है, लेकिन उस लड़के के साथ उसकी शादी भी हुई। ये सिर्फ आपके ऊपर होता है। अगर आप इस समय पे उस लड़की के ऊपर दोष लगा दो कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाओ, या तुम कुछ भी करो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका नज़रिया गलत है प्यार को देखने के लिए। लेकिन अगर आपके प्यार में दम है और आप कर सकते हो, तो आपको प्रूव करके दिखाना चाहिए। तो लोग सिर्फ प्यार को गालियाँ देता है, लेकिन सिर्फ यहीं पे चीज़ नहीं रुकती, आपको देखना है कि आप इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि प्यार हम किस नज़र से देखते हैं वैसा होता है, ना तो वो सही होता है ना तो वो गलत होता है। आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।